हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोहाइड्रेट में किसके बारे में बात की थी, हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात की थी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, उसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था आपका ग्लूकोज। ठीक है, उसके अलावा कुछ छोटी मोटी टर्म्स जो थी उसके बारे में बात की थी, जैसे डाइस्टीरिमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स क्या होते हैं, ठीक है, हेमी एसिटल्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, और बाद में हमने बात की थी बीटा डी ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, उसका एक तो ओपन स्ट्रक्चर होता है और एक आपका रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वैसे ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेरिजन में, आपके ओपन स्ट्रक्चर के कंपेरिजन में। ठीक है, 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग फॉर्म होती है और अल्फा और बीटा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है डी ग्लूकोज, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, आपके बीटा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और अल्फा और बीटा आपस में किस पोजिशन में रहते हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। इसी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो क्या होता है म्यूटा रोटेशन, उसके बारे में हम बात करें तो जो अल्फा फॉर्म है वो इक्विलिब्रियम में रहती है किसके, बीटा फॉर्म के। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा में कन्वर्ट होता रहता है और बीटा आपके अल्फा में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, एक पोजीशन या एक टाइम आता है जब दोनों आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रख लेते हैं। अल्फा का जो एंगल होता है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, दैट इज़ अराउंड 119 डिग्री। ठीक है, जो किसके लिए होता है, प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। और बीटा के लिए जो अल्फ़ा होता है वो होता है आपका अराउंड, ये 112 डिग्री होता है। ठीक है, और अल्फा बीटा के लिए होता है आपका अल्फा कितना, 19 डिग्री। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए। क्लियर है? अल्फा क्या है आपका यहाँ पर, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अल्फा इज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, हमने पढ़ा भी था अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन सी एल, आइसोमेरिन चैप्टर में पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी एल, या फिर अल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी एल। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए। चलिए, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बीटा फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और एक पोजीशन मतलब एक टाइम आता है जब दोनों में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ठीक है, उस टाइम को हम बोलते हैं, या उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा फाइनल, और थीटा फाइनल को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो इसका परसेंटेज दिया हुआ है आपको एक्स परसेंट, ये कितना होगा, 100 - x% होगा। क्लियर? तो थीटा फाइनल अगर हम कैलकुलेट करें तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स इंटू अल्फा, अल्फा के लिए एंगल कितना है 112 डिग्री, प्लस 100 - x इंटू 19 डिग्री डिवाइड बाई 100। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, थीटा फाइनल या थीटा इफेक्टिव जो भी है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल आता है, 52.5 डिग्री। रिजल्टेंट है ये कि जब आप अल्फा और बीटा को मिलाते हो तो जो फाइनल प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन आता है वो कितना आता है, 52.5 डिग्री। अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो कि किसका परसेंटेज ज़्यादा, अल्फा फॉर्म का या बीटा फॉर्म का। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू आएगी 36%, या एक्स की वैल्यू आएगी 0.36। ठीक है, अगर एक्स 36% है
तो मतलब अल्फा कितना है 36% और बीटा कितना होगा 64%। बीटा ये किसके लिए? अल्फा के लिए, अल्फा फॉर्म। और बीटा फॉर्म वो कितनी हो जाएगी आपके पास 64%। मतलब बीटा का परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है, और वो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बीटा इज़ मोर स्टेबल देन अल्फा, तो बीटा का नंबर्स तो ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अल्फा और बीटा में से या तो आपको रिजल्टेंट एंगल दे देगा तो परसेंटेज पूछ लेगा, हो सकता है कभी परसेंटेज दे दें तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू है या रिजल्टेंट एंगल है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से कुछ भी आपको निकालना हो सकता है। चलिए अब बात आती है म्यूटर रोटेशन क्या है। तो म्यूटर रोटेशन क्या है कि जैसे आपने ए को मिलाया, मतलब अल्फा को लिया, आपने अल्फा लिया, ठीक है, तो अल्फा एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, किस में कन्वर्ट होता है? बीटा फॉर्म में कंटिन्यू धीरे धीरे चेंज होता रहता है। और बीटा को लिया तो बीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके अल्फा में। कब तक होता रहेगा? तब तक जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, एंगल फिक्स हो जाएगा, कोई दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन या वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो वो जो रोटेशन का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। जब थीटा किसका फंक्शन होता है? टाइम का। मतलब थीटा टाइम के साथ साथ क्या है? वेरी कर रहा है। स्टार्टिंग में आपने लिया अल्फा फॉर्म 112 डिग्री था, जैसे एक सॉल्यूशन में गए धीरे धीरे कम होता गया होता गया होता गया, तो वो जो चेंजेज है एंगल का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कब तक? यहाँ तक। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं या इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है, ये किसके साथ वेरी करता है? टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन चेंजेस विथ टाइम टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन। जब तक इक्विलिब्रियम अटेन होता है तब तक वो जो रोटेशन में चेंज हो रहा है, एंगल में चेंजेस हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। टेन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। क्लियर है? मतलब हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो किसका फंक्शन है? टाइम का। टाइम के साथ साथ थीटा क्या है आपका? चेंज हो रहा है। और कब तक चेंज होता रहेगा? टिल इक्विलिब्रियम अटेन। तो टी ये जो टाइम है लेस देन होता किस टाइम से? टाइम एट विच इक्विलिब्रियम इज अटेन, उससे कम टाइम के लिए। ठीक है, क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो फिर तो थीटा चेंज होने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, और कभी कैलकुलेशन करने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जैसे हमने ग्लूकोज के लिए डिफाइन किया है वैसे ही हम फ्रक्टोज के लिए भी बात कर सकते हैं।
फ्रक्टोज। तो देखिए फ्रुक्टोज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच एच। ठीक है, स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपका 5। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ से क्या होगा कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे लोन पेयर और ऑक्सीजन की तरफ ओ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ, एक तो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ये कार्बन अटैच हो चुका है, तो दो तो ये कार्बन अटैच हो गए, ये आपका हाइड्रोजन और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्लियर है, फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा है CH2OH और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन, इससे क्या जुड़ा हुआ है आपका CH2OH। ठीक है, और बाद में यहाँ पे O- आएगा और O- जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से H+ आएगा तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है O-। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ से H+ निकलेगा और ये O- के साथ जुड़ जाएगा OH और यहाँ पे ये भी बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से। ओके, आई एम श्योर क्लियर होगा, नहीं हुआ है तो आप पुराना वाला स्टेप लिखिए, एक स्टेप और आगे बढ़ाइए और फिर इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन दैट इज एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि यहाँ पे एक नया कायरल सेंटर आपका डेवलप हो रहा है। सेकंड है OH, H, थर्ड OH, H, थर्ड फोर्थ H, CH2OH। ठीक है, सेम इसी तरीके से जहाँ पे जैसे यहाँ पे OH जो जुड़ा है सेम साइड से भी जुड़ सकता है और अपोजिट साइड से, मतलब एक तरफ नीचे की तरफ, एक तो नीचे की तरफ है तो दूसरी बार ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो जैसे ग्लूकोज में था सेम उसी तरीके से आपका एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो सकता है इस तरीके से। और अब क्या होगा, OH ऊपर की तरफ होगा और CH2OH नीचे की तरफ होगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेंगे, OH, H, OH, H, H, CH2OH। क्लियर है, अब अगर हम यहाँ देखें, एक अल्फा रहेगा और एक बीटा रहेगा, हम मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर सब अपोजिट साइड में होते हैं उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आपका बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CH2OH और OH आपके किस पोजीशन पर है, ये भी एनोमेरिक कार्बन है, ट्रांस पोजीशन पर है, और ट्रांस पोजीशन पर है तो क्या रहेंगे आपके बीटा, डी फ्रक्टो या फ्रुक्टो। अब क्योंकि 5 मेंबर रिंग बन रही है, ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग बन रही थी, उसे हम क्या बोलते थे पायरानोज। ठीक है, क्योंकि वो पायरान जैसा रिजेंबल करता था, 5 मेंबर रिंग है ये फ्यूरेन से रिजेंबल करती है, तो इसको हम बोलेंगे बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। सेम इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। और अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, किसकी ज़्यादा होगी, बीटा की, किससे, अल्फा से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिस तरीके से
ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, वैसे ही आपका फ्रक्टोज भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ग्लूकोज था बीटा डी ग्लूकोपायरानोज और अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। फ्रुक्टोज है तो बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज और अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। स्टेबिलिटी सेम बीटा की ज़्यादा होती है, किससे? अल्फा से। ठीक है, यहाँ 5 मेंबर की रिंग बनती है फ्रुक्टोज में, और ग्लूकोज में आपके 6 मेंबर की रिंग बनती है। ये भी क्या है आपका? एनोमेरिक कार्बन। ये भी क्या है आपका? एनोमेरिक कार्बन। क्लियर? ओके, इसे एक बार आप नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखिए अगर हम बात करें ग्लूकोज की, सी डबल बॉन्ड ओ एच स्ट्रक्चर तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। ओ एच ओ एच एच ओ एच, सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन, बाकी सब ओ एच। ठीक है, एच ओ एच एच एच, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर कीटो फॉर्म है आपका और एल्कोहल है, तो ये क्या कर सकता है? टोटोमर शो कर सकता है, टोटोमराइजेशन। ठीक है, अगर बेसिक मीडियम में अगर हम देखें इसका टोटोमराइज 1 2 3, तो 3 से हाइड्रोजन को उठाइए, 1 पर लगाइए, और 1 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसे हम लगाएंगे 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो कार्बन कार्बन और ये कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, CH2OH, ये आपका OH OH H H H OH। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ जाएगा OH। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, ये रहेगा OH, यहाँ आपका हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, और डबल बॉन्ड 1 2 से 2 और 3 के बीच में। क्लियर, वैलेंसी कंप्लीट। अब क्या कर सकते हैं हम, इसका फर्दर टोटोमराइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, मान लो 1 2 और 3 से करें। ठीक है, तो फिर से आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से करें, 1 2 3 इस तरीके से करें, तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है उसको लगा दीजिए 2 और 3 के बीच में, और 3 पे जो हाइड्रोजन है उसे लगा दीजिए 1 पर। तो कार्बन पर एक हाइड्रोजन, पहले से एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा आपके पास कंपाउंड। अगर हम देखें तो सी, ये आपके पास OH, सी OH, ये आएगा एच और एच, दो हाइड्रोजन रहेंगे इसके पास CH2, सी डबल बॉन्ड ओ। फिर से मैं आपको बताता हूँ एक बार, CH2OH, OH, OH, H, OH, H, H। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं, तो इसको मैं ऐसे सीधा लिख देता हूँ CH2OH, तो और क्लियर रहेगा आपके लिए। ठीक है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, उसे हमने लगा दिया 2 और 3 के बीच में। क्लियर है, 3 से हाइड्रोजन लगाया और कहाँ जोड़ दिया? H पर, CH था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया CH2, ये आपका OH। क्लियर है, कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। क्लियर, तो हमने क्या लिख दिया इसको? CH2OH।
क्लियर। ये क्या है, इसका टोटोमराइज है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपके डी ग्लूकोज का, और ये किसका स्ट्रक्चर है आपके डी कीटोन है, किसका है डी फ्रक्टोज का, ठीक है। डी फ्रुक्टोज का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। तो आपके डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज आपके टोटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक और इसका टोटोमर फॉर्म हो सकता है, कैसे, इस तरीके से कि जो हमने किया था पहले 1, 2 और 3, जो हमने 1, 2, 3 किया था उसी को हमने 1, 2, 3 कर दिया। अब यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और जुड़ेगा 1 कार्बन पर। अब ये डिपेंड करता है, ये आपके इस साइड में जुड़ा मतलब लेफ्ट में, तो क्या बन जाएगा, फिर से डी ग्लूकोज बन जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन आपके राइट में जुड़ गया तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनता है आपके पास, तो सी इस तरीके से बनेगा ये, CH2OH, OH, 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 जिसमें चेंजेस नहीं है वो तो एज इट इज बना दो, ठीक है, HHOH, ठीक है। अब आया आपके पास ये वाला कार्बन, ठीक है, इस कार्बन से आपके पास जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन अगर हम जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन ये OH, तो ये तो सेम बन जाएगा, ये C है आपके पास, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन उठाया और इस कार्बन पर एसोसिएट कर दिया, OH पहले से था, ठीक है, और डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये और ये तो आपका सेम बन चुका है डी ग्लूकोज, ये और ये। हम क्या करें, H को यहाँ नहीं लगाएं और H को लगा देते हैं इस तरफ, ये हो जाए OH, तो एक दूसरा कंपाउंड बन सकता है बिल्कुल, और बन ही सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि H आपका लेफ्ट में जुड़े राइट में भी जुड़ सकता है। तो डिफरेंट कंपाउंड होगा, और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका, फर्स्ट क्लास में लिखा आया था डी मेनोज, क्या बोलते हैं इसे हम, डी मेनोज, ठीक है। तो डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज और डी मेनोज तीनों आपस में टोटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। आपके डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज एंड डी मेनोज ऑल एग्जिस्ट टोटोमेरिक फॉर्म, पहली चीज। दूसरी चीज कि डी ग्लूकोज जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड जो ग्रुप होते हैं वो आपके टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सब शो आपका करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं वो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये शो नहीं करते हैं। बट इस केस में क्योंकि ये तीनों आपस में टोटोमेरिक फॉर्म में है, डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज और डी मेनोज, भले ही यहाँ पर कीटो ग्रुप है फिर भी ये आपका टोलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं, ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है। डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज और आपका डी मेनोज ऑल विल शो टोलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि भले ही डी फ्रुक्टोज आपका क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, बट फिर भी वो क्या शो करता है आपके
फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करता है। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वो कंपाउंड्स जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलेंस सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एक टर्म आता है दैट इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर के बारे में हम क्या कहेंगे, विच कंपाउंड्स विच और विच रिस्पॉन्ड टू टॉलरेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। जो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर बाद में हम डी ग्लूकोज की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम कुछ और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं डी ग्लूकोज की। सेकेंड प्रॉपर्टी है या रिएक्शन है, आप फिन है इसकी रिएक्शन करवाइए डी ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्राजिन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच। ठीक है, एच ओ एच 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 डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज की जब रिएक्शन कराई जाती है फिनाइल हाइड्रोजन दैट इज NH2NH पीएच। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2NH2, तो एक एच हटा के पीएच लगा दिया दैट इज फिनाइल हाइड्रोजन। तीन मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एन एन एच पी एच सी डबल बॉन्ड एन एन एच पी एच एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच। इस कंपाउंड को बोलते हैं ओसाजोन। क्या बोलते हैं, ओसाजोन। ठीक है, कंपाउंड का नाम थोड़ा डिफरेंट है पर इसे ओसाजोन ही बोला जाता है। ठीक है, तो डी ग्लूकोज जब रिएक्शन करता है तीन मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओसाजोन। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो आपको लगेगा कि दो मोल ही कंज्यूम होने चाहिए जबकि यहाँ पर तीन मोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीन मोल कैसे आता है उसके बारे में हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, बात करेंगे। सेम रिएक्शन आपका डी फ्रुक्टोज भी शो करता है। डी फ्रुक्टोज जब रिएक्शन करता है थ्री मोल किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी कंपाउंड क्या फॉर्म करता है, ओसाजोन। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, देखिए रिएक्शन हम देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। सी एच टू ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच एच। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन होती है सबसे पहले फिनाइल हाइड्रोजन के साथ दैट इज एन एच टू एन एच पी एच। तो नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है आपका,
लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, ये रिएक्शन होती है आपकी कहाँ पर, इस कार्बन पर, ठीक है, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है आपका, रिमूव हो जाता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा, NH2 यहाँ से एक H O निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O कुछ इस फॉर्म में बनेगा। देखिए कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आएगा आपके पास डबल बॉन्ड N NH PH CH2OH, ठीक है, OH, OH, H, OH, 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 H, OH, H, OH, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इस फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, यहाँ पे से इसका टोटोमर बनाइए, ठीक है, तो 1, 2, 3, 3 से हाइड्रोजन हटाइए, फर्स्ट पर लगाइए, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसे 2 और 3 के बीच में शिफ्ट कीजिए। इसका अगर हम टोटोमर बनाएं कुछ इस टाइप से बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ओ एच, यहाँ से एच निकल गया है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, 1, 2, 3 सी एच टू ओ एच, यहाँ आएगा ओ एच ओ एच एच, ठीक है, ओ एच एच एच, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, सी ओ एच हो गया, सी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे जुड़ा हाइड्रोजन है, यहाँ आ जाएगा एन एच एन एच पी एच, ठीक है, सिंपल है। 1, 2, 3 1 और 2 से डबल बॉन्ड को हटाया, 2 और 3 के बीच में लगाया, 3 से हाइड्रोजन उठाया और 1 पे लगा दिया, ये हाइड्रोजन पहले से था, ये ओएच पहले से था, ठीक है, क्या बच्चा नीचे वाला जो पोर्शन है आपका वो एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, यहाँ से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये दोनों बॉन्ड शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन के ऊपर, लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाए, पाई बॉन्ड में, तो यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, इसमें दूसरे पाई बॉन्ड में, और यहाँ से NH दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा, जो इस NH माइनस के साथ एसोसिएट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी आपकी, जो कंपाउंड बनेगा कुछ ये बनेगा, देखिए C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, नीचे वाला पोर्शन सेम एज इट इज, OH OH H OH H H CH2 OH, ठीक है। C डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, H यहाँ से निकल गया, ये तो बन जाएगा आपके पास NH2 PH, PH NH2 बाहर निकल गया, एक ये बन गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड N H डबल बॉन्ड NH, ठीक है, सिंपल ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बाहर निकल चुका है ना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, सही है। क्या किया हमने, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से H प्लस निकला, आपके लोन पेयर आया, लोन पेयर कन्वर्ट हुआ पाई में, अगर ये पाई में कन्वर्ट होता है तो यहाँ का पाई किस में कन्वर्ट हो गया, दूसरे पाई में, तो यहाँ से इस दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये आपका बाहर पी एच एन एच माइनस की फॉर्म में, यहाँ से H प्लस निकलेगा पी एच एन एच टू की फॉर्म में बाहर, ठीक है। नीचे का पोर्शन सेम है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल से आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, सी डबल बॉन्ड एन एच और सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो कम आपके क्या हो गए,
ग्रुप्स हो गए, ठीक है, दो फंक्शन ग्रुप्स हो गए जहाँ पर आपका क्या है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर से यहाँ पर दो मोल किसका अटैक हो सकता है, फिनाइल हाइड्रोजन का, कुछ इस तरीके से पीएच एनएच एनएच टू और पीएच एनएच एनएच टू, ठीक है। यहाँ से अटैक होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, यहाँ से आपका अमोनिया बाहर जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन होगी और ये बनेगा आपके पास कार्बन, कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ से एनएच थ्री बाहर गया तो कार्बन से नाइट्रोजन, फिर एनएच, ये पीएच, ये दूसरा कार्बन, यहाँ से एच टू हो जाएगा तो कार्बन सी डबल बॉन्ड एन एनएच पीएच, ये आ जाएगा सी एच टू ओ एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच एच, और साथ में क्या निकल जाएगा आपके पास बाहर, एक तो एन एस थ्री और एक वाटर। तो देखिए मैकेनिज्म तो मैं बोल चुका हूँ आपको ध्यान रखना है नहीं कैसे आया, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि फाइनल आंसर में आपका ये दो ही मोल जुड़ रहे हैं तो एन एस इसके फिनाइल हाइड्रोजन के तीन मोल कैसे कंज्यूम हुए, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना तीन मोल ही कंज्यूम होते हैं, ठीक है, दो मोल कंज्यूम नहीं होते हैं, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। चलिए इसकी जो बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ी ज़्यादा रिएक्शंस है, आज के लेक्चर में कंप्लीट हो भी नहीं पाएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको बात करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत है इसमें, क्योंकि पहली बात हमने की म्यूटर रोटेशन के बारे में, म्यूटर रोटेशन क्या होता है थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब थीटा और परसेंटेज के बारे में, अल्फा और बीटा के परसेंटेज में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने डी फ्रुक्टोज के बारे में बात की, वो भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बीटा और अल्फ़ा में, और बीटा जो फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। फिर हमने ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, तो हमने देखा कि आपका डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज और डी मेनोज तीनों आपस में टोटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और तीनों आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं, आपके रिड्यूसिंग शुगर, और तीनों टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करते हैं। इसमें एक्सेप्शन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कीटो ग्रुप, दैट इज़ बीटा, ये डी फ्रक्टोस, ठीक है, उसमें कीटो फॉर्म है, फिर भी वो आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट शो कर रहा है क्योंकि वो टोटोमेरिक फॉर्म में आपके डी ग्लूकोज और डी मेनोज में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, और वो आपके टेस्ट शो करते हैं, इसलिए ये कीटो फॉर्म में होने के बावजूद भी बीटा आपका डी फ्रक्टोस टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तीनों आपके रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं, क्लियर है। और लास्ट में हमने बात की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका नाम क्या होता है, ओसाजोन होता है। कभी कभी डायरेक्ट कंपाउंड का नाम भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज एंड फिनाइल हाइड्राजीन, तो किसी ने अगर नाम सुना ही नहीं है तो भी वो क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो नाम पता होना चाहिए, कंपाउंड का नाम होता है ओसाजोन, और तीन मोल, वन मोल डी ग्लूकोज के लिए तीन मोल फिनाइल हाइड्राजीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। चलिए इसकी जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पुरानी जो चीज़ है जो अब तक पढ़ाया गया है उसको भी एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि फॉर्मूले बार बार क्या है रिपीट होते जा रहे हैं इस चैप्टर में, जब तक आप पेन को नहीं चलाओगे तब तक आपके माइंड में कुछ भी जाने वाला नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। आप अगर लिखोगे नहीं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, आप भले चैप्टर को छोड़ दो वो सही रहेगा, आपके लिए टाइम बचेगा, लेकिन अगर आप पेन नहीं चला रहे हो तो कोई मतलब नहीं। और तरीके से पढ़ना है तो पेन चला के आराम से नोट्स बनाओ और फिर पढ़ो और फिर करो, ठीक है। चलिए तो बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो बाकी की रिएक्शन हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।